अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, नूरानी खबरों में आपका खैर मकदम है। नाजरीन, कोई भी धर्म आपस में नफरत करना नहीं सिखाता, बल्कि सभी धर्म आपस में प्यार और मोहब्बत का पैगाम देते हैं। लेकिन कुछ मौका परस्त लोग धर्म को ढाल बनाकर अपनी राजनीतिक स्वार्थ की पूर्ति करते हैं। ये घिनौनी चाल कुछ समय तो सभी लोगों को बहुत अच्छी लगती है, पर इसके अंजाम बहुत ज्यादा डराने वाले होते हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि जिस देश ने भी धर्म के आधार पर देश की जनता को मूर्ख बनाया, आज उनके क्या हाल है। खास तौर पर मुसलमानों पर जुल्म करने वाले देशों के आज क्या हाल है। लेकिन नाज़रीन, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों, अपने जानने और मिलने वालों को हमारी आज की यह वीडियो जरूर शेयर करें। नाज़रीन, हम ज्यादा पुरानी बात नहीं करेंगे, आज हम बात करेंगे कुछ बीते सालों की। ज्यादा दूर ना जाकर हम अपने पड़ोसी देश म्यांमार यानी कि बर्मा की बात करेंगे, जहां पर मुसलमानों पर बेइंतहा जुल्म तशद्दुद किया गया, जिसे पूरी दुनिया ने देखा। नाज़रीन, आपने वो कहावत तो सुनी ही होगी कि अल्लाह की लाठी बेआवाज होती है। जब अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने जलाल में आए तो पूरी दुनिया में कोई भी किसी को बचा नहीं सकता। आज आप खुद म्यांमार देश का हाल देख सकते हैं, बल्कि अब लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया है कि ये मुसीबत बेकसूर और मासूम मुसलमानों को सताने की वजह से आई है। आज म्यांमार देश की आर्थिक स्थिति और वहाँ के लोगों पर आई मुसीबत किसी से छिपी नहीं है। अब बात करते हैं अपने दूसरे पड़ोसी मुल्क यानी कि श्रीलंका की। आप आजकल टीवी में समाचारों में देख रहे होंगे कि किस तरह से वहां पर पूरे देश में आग लगी हुई है और किस तरह से देश की जनता वहां पर सत्ताधारी नेताओं को ढूंढ ढूंढ कर मौत के हवाले कर रही है और घरों में आग लगा रही है। आज पूरा देश बर्बाद हो गया है। वहां पर भी एक राजनीतिक दल ने धर्म को आधार बनाकर कुछ दिन सत्ता चलाई और लोगों को धर्म के नाम पर पागल बनाया और पूरे देश को बर्बाद कर दिया। वहां पर भी एक पार्टी के नेताओं ने देश के अल्पसंख्यकों पर, खास तौर पर मुसलमानों पर बेइंतहा जुल्म किया, और श्रीलंका के बहुसंख्यक लोग अपने इसी काम को बहुत बड़ी देशभक्ति और धर्म का काम मानते रहे, पर आज उनको समझ में आ गया है। लेकिन अब सिवाय पछताने के कुछ बाकी नहीं रह गया और पछतावा करने का कोई फायदा भी नहीं दिखाई पड़ रहा। तो नाज़रीन, जिस देश ने भी मुसलमानों पर जुल्म किया है उनको अल्लाह तबारक व ताला ने सजा दी है। बस यकीन रखो और अपने आमाल ठीक रखो। अल्लाह सबसे बड़ा बादशाह है और गरीबों और मासूमों पर जुल्म करने वालों को जरूर सजा देता है। यकीन रखे कि अल्लाह तबारक व ताला के दर पर देर है अंधेर नहीं। जो लोग कल तक मुसलमानों पर जुल्म करते रहे, आज उसी देश के लोग मुसलमानों से दुआएं कराने के लिए हाथ जोड़ रहे हैं, उनसे मिन्नत कर रहे हैं। आप सभी से गुजारिश है कि सभी एक साथ मिलकर दुआ करें कि अल्लाह तबारक व ताला ऐसे लोगों को हिदायत दे और ऐसे लोगों को राह रास्त पर आने की, लौट आने की तौफीक नसीब अता फरमाए। आमीन। खुदा हाफिज़।